नगर पंचायत पागबाड़ा में एक ही समुदाय के दो पक्षों में हुई मारपीट के चलते एक युवक पूरी तरह से घायल हो गया, जिसको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष द्वारा थाना पागबाड़ा में शिकायत दर्ज कराई गई। पागबाड़ा पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। जानकारी के अनुसार पागबाड़ा के मोहल्ला ईदगाह क्षेत्र के रहने वाले गुलफाम के साथ मोहल्ले के ही कुछ युवा सरफराज पुत्र अफरोज, शहादत, फिरोज आदि के द्वारा मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके चलते गुलफाम बुरी तरह से घायल हो गया है। पीड़ित पक्ष द्वारा पागबाड़ा थाने मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसका पुत्र मोहल्ले में दुकान पर गया था, जहां पर सरफराज, शहादत, फिरोज आदि युवाओं ने उनके पुत्र गुलफाम के साथ हूटिंग शुरू कर दी। जब गुलफाम ने विरोध किया तो दबंग युवाओं ने बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। अस्पताल में भर्ती गुलफाम द्वारा बताया गया कि ये लड़के रास्ते में रहने वाले लोगों को परेशान करते हैं, तरह तरह के कॉमेंट करते हैं, और इसलिए इनके खिलाफ जाँच करा कर कार्रवाई की जाए। उसमें एक अप्रोच कलर का फंक्शन आवाज था, उसमें मायाक चल रही थी। मैंने उससे मायाक, वो मुझसे मायाक रंग रहा है, मैंने उससे कही भाई मुझसे मायाक मत करे, तेरी उम्र मेरी उम्र बहुत फर्क है। उसने छोटे मेरे रैक्टर मार दिया, मैंने भी मार दिया। जो वहाँ लड़के खड़े थे उन्होंने बीच बजा खुला के मुझे घर भेज दिया, उसको भी घर भेज दिया। थोड़ी देर के बाद वो अपने बड़े पापा के साथ आया। उसमें कम से कम 8-10 लड़के थे। उसने घर पर आन के मुझको बुलाया, लड़ाई करने लगा। अब मेरे पापा थे मेरे साथ और छोटा भाई था। पापा ने बचाने की कोशिश करी तो उनको भी हाथापाई शुरू कर दी। उसमें उसका एक लड़के का नाम है फिरोज, उसके पापा का नाम है, बड़े पापा का नाम फिरोज, सनावाज, तो सरफराज, शहादत और सनावाज। बाकी लोगों को आप जानते हैं या बस इन लोगों ने हमला किया था आपको? सब उनके घर के थे, सबको वैसे पहचान लूँगा, ऐसा नाम याद नहीं। किस चीज़ से हमला किया गया आपका? डंडे और फावड़े और लाइसेंसी हथियार थे। उसमें कह रहे थे उसके पापा, अगर तू थाने गए तो थाने में तेरी नहीं चलेगी और सुनवाई हुई तो देखी जाएगी। लहराते हुए चले गए घर।